नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न था आप सभी लोगों का, उसको कवर करेंगे। पूरी आपको जो जानकारी है आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे थे AGTA के सुपरवाइजर के सिलेबस से रिलेटेड। सबसे पहले तो देखो, पिछले बार ये जो परीक्षाएं संपन्न कराई गई हैं, अलग अलग कंडक्ट कराई गई थी, इस बार एक साथ संपन्न आपकी कराई जाएंगी। एक साथ इनका नोटिफिकेशन जो वैकेंसी का है वो आपको आएगा। सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पिछली जो परीक्षाएं ये हुई हैं क्या इनमें सिलेबस इनका रखा गया था, ठीक है, जो ऑफिशियल इनका पेपर और सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर, सब इसमें ऑफिशियल रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो सिलेबस एनालिसिस है वो हम लोग करेंगे, और एक्सपेक्टेड न्यू सिलेबस क्या है इसका, ठीक है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ इस बार नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी जा सकती है इस परीक्षा में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपकी इस परीक्षा में। पिछले बार नेगेटिव मार्किंग की ही वजह से, एक तो देखो जो क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में उनकी संख्या और नेगेटिव मार्किंग की ही वजह से थोड़ी कट ऑफ पिछले बार कम गई थी। इस बार अगर, ठीक है, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं कि कितना अगर क्वेश्चन आपका पूछा गया तो कट ऑफ क्या रह सकती है, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहना। पैट एग्जाम 2022 की सभी लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी उसके लिए भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, PET एग्ज़ाम 2022 को 18 सितंबर को शेड्यूल किया गया है, तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ PET एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है, और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिल जाएंगे। PET एग्जाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ MCQs को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं PET एग्जाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके PET एग्जाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। अब सबसे पहले पुराने सिलेबस क्या क्या रखे गए हैं इन परीक्षाओं में उनको जल्दी से आप लोग देख लो। AGTA का ये पिछला सिलेबस है 2018 में जो आपकी भर्ती आई थी उसका, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अधीनस्थ सेवा, ठीक है, कृषि वर्ग आपका कृषि सेवा, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की परीक्षा 2018, ठीक है, और अनंतिम एवं पाठ्यक्रम, ठीक है, ये आपका परीक्षा योजना पूरी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दोस्तों आपके चार चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन आए थे आपके 6 चीज़ों से, बताता हूँ क्या था इसमें, ठीक है। पहला सेक्शन था इसमें आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग पहला पूछा गया था, ठीक है, इसके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 नंबर के जो थे। दूसरा आपका सामान्य ज्ञान था, सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन आपके बेसिक एग्रीकल्चर से आए थे और 25 क्वेश्चन आपके स्टैटिक GK से आए थे, ठीक है, तो ये तीन पोर्शन आपके हो गए। उसके बाद इसको हम लोग चौथा मानेंगे, तो ये आपका सामान्य विज्ञान और अंकगणित, तो ये 5 हो गए अपने, ठीक है, यानी सामान्य विज्ञान अपना चौथा, अंकगणित अपना 5वां। उसके बाद सामान्य हिंदी, ये आपका 6ठा पोर्शन था। टोटल 6 पोर्शन से यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। पेपर को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, पेपर का एनालाइज करें तो आपको 6 पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, मैंने बता दिया आपको, एक रीजनिंग हो गया आपका, एक इसमें आपका स्टैटिक GK, दूसरा एग्रीकल्चर हो गया, एक हो गया दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान और अंकगणित, ठीक है, और एक हो गया आपका सामान्य हिंदी। टोटल 6 आपकी चीज़ों से यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन पिछली बार जो पिछली परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे। 400 नंबर का ये पूरा पेपर पिछली बार रखा गया था, समय मिला था इसमें 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग देखो 50% की रखी गई थी, यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न आपका वहाँ पर कट गया था। ये था दोस्तों आपका पिछला सिलेबस AGTA भर्ती परीक्षा 2018 का। हम बात करेंगे अब आपका गन्ना पर्यवेक्षक का क्या पिछला सिलेबस रखा गया था। तो दोस्तों ये पेपर है आपका ऑफिशियल गन्ना पर्यवेक्षक का, यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला है ये सिलेबस, ठीक है, नया पेपर मैंने निकाल दिया, इसमें थोड़ा सही से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका केन सुपरवाइजर का पिछला पेपर है। देखो इसमें टाइम के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निर्धारित समय आपका 210 मिनट दिया गया है, यानी कि 3.5 घंटे आपको यहाँ पे समय मिला था, 3 घंटे 30 मिनट, और अधिकतम अंक आपके यहाँ पे 350 थे। ये आपका पैटर्न रखा गया था पेपर का, ठीक है। ठीक है, 4 सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सेक्शन था आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, 25 क्वेश्चन इसके आए थे। सामान्य ज्ञान के यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये आए थे आपके। उसके बाद सामान्य विज्ञान और अंकगणित के यहाँ पे 75 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका 50+25 क्वेश्चन रखे गए थे, ठीक है। उसके बाद हिंदी के आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल दोस्तों आपके यहाँ पे 175 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 175 आपके पिछली परीक्षा में टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये आपके 350 नंबर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। 3.5 घंटे आपको यहाँ पे समय मिला था। तो 175 क्वेश्चन के हिसाब से देखो 3.5 घंटे यहाँ पे पर्याप्त समय मिला था। अगर हम लोग इसकी तुलना करें AGTA से, तो AGTA में आपका 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको समय मिला था 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो इसको दोस्तों ऑफिशियल पेपर है ये, आपका सिलेबस पिछले बार जो आपका आपको मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, वही उसकी PDF है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगर तो सिलेबस की हम लोगों ने तुलना कर ली पिछली बार दोनों परीक्षाओं में कैसा क्या रखा गया था, यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। AGTA में दोस्तों यहाँ पे AGTA अगर हम लोग लिखें, और यहाँ लिखते हैं अपने किन सुपरवाइज़र, ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक। AGTA में 200 क्वेश्चन, गन्ना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन की संख्या थी 175, और AGTA में आपको 120 मिनट मिले थे, जबकि इस परीक्षा में आपको 310 मिनट मिले थे, यानी कि आपके हो गए, ठीक है, 210 मिनट मिले थे। 3.5 घंटे आपको यहाँ पे समय मिला था। इस बार ये दोनों परीक्षाएं एक ही वैकेंसी की, एक ही नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग निकाली जाएंगी। और सिलेबस देखो, अगर आप लोग इनमें ये विषय चेक करो अगर, तो ठीक है, आपके क्वेश्चन भले ही आगे पीछे इसमें संख्या हो जाए, लेकिन आपके जो विषय थे वो पिछले बार भी इन दोनों परीक्षाओं में सेम पूछे गए थे, और इस बार भी विषय आपके बिल्कुल सेम पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इस बार आपका पैटर्न एक साथ कंबाइंड करके आपका बनाया जाएगा एक पेपर। एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है आपका, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा संभावना है अब 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएं, जैसे कि UP SSC अब अपनी जो भी वैकेंसी पैट के अकॉर्डिंग निकाल रहा है, तो दो आपके 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएं। और AGTA का जो पैटर्न फॉलो किया गया था उसमें अगर हम लोग बस आधे आधे कर दें, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए यहाँ पे, ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें आपके रीजनिंग के हो गए, उसके बाद 12 या 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर के हो जाएंगे, 12-13 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहाँ पे स्टैटिक GK के, सेम आपका मैथ और साइंस में भी डिवाइड हो जाएगा, 12 या 13 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाएंगे और 12 या 13 क्वेश्चन आपके यहाँ पे साइंस के हो जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के ही पूछे जाने की इस बार संभावना बन रही है, ठीक है। और ये आप मान के चलें सिलेबस जो आपके विषय हैं वो लगभग एक से रहेंगे, 99% अब आपका यही सिलेबस जो नया वाला सिलेबस है दोनों को कंबाइंड करके फॉलो किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो लेखपाल परीक्षा में जैसा कि आपको 2015 में हुई थी उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, सेम आपका हो सकता है जैसे कि AGTA में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पहले 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार आपकी 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस था पिछला, मैंने आपको बता दिया क्या क्या कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और नया क्या कितना पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बता दिया। इसी को मान के आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाएं। जिन लोगों को दोस्तों मैं देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी भी लग रहा हो वैकेंसी नहीं आएगी या फिर लेट होगी या फिर मैं तभी तैयारी करूँगा, भैया देखो वैकेंसी आएगी ज़रूर, ये आपको भी पता है, भले ही थोड़े लेट आए लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी रखें। अगर आपका अभी बीच में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है तो चांस 4 साल बाद आपको एक बार मिल रहा है, अब अगला चांस आपको ये मिलेगा 2026 के आसपास, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लग जाएं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे।